नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम लोगों का विलोम शब्द की सीरीज चल रही थी और ये पांचवा पार्ट है विलोम शब्द का। ठीक है, और पांचवें पार्ट के आज हम लोग चार पेज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। ठीक है, अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अनर्थ होता है। ठीक है, अंध का विलोम शब्द क्या होता है? विचारशील होता है। और अनाहूत का आहूत होता है। ठीक है, ये अनाहूत और आहूत ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आपका जो अगला वाला है अनुमोदन का अननुमोदन होता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, अतुकांत का क्या होता है? तुकांत होता है। अतिशय का क्या होता है? न्यूनता होता है। अत्यधिक का क्या होता है? अल्प अत्यल्प होता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका अत्यधिक वाला भी कई एग्जाम में पूछा गया है, ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और हो सके तो कहीं यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अधः का होता है ऊपर ही। ठीक है, अभिप्राय का विलोम शब्द क्या होता है? निष्प्रयोजन होता है। ठीक है, अभिप्राय भी अच्छा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अधिकतम क्या क्या होता है? न्यूनतम होता है। अनवधान का क्या होता है? सावधान होता है। ठीक है, तो ये अनवधान वाला जो है इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और हो सके तो आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधुनातन का क्या होता है? पुरातन होता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, अनर्थ का क्या होता है? अर्थवान होता है। ठीक है, अर्थवान तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अर्थवान तक। ठीक है, अनर्थ तक। चलिए आगे देखते हैं। अर्जन अर्पित का क्या होता है? ग्रहीत होता है। ठीक है, अर्जन का क्या होता है? वर्जन होता है विलोम शब्द। ठीक है, अर्जन का वर्जन विलोम शब्द होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अनुमान का क्या होता है? अननुमान होता है। ठीक है, अनुशासन का क्या होता है? अननुशासन होता है। ठीक है, अन मनस्क का क्या होता है? अन्य मनस्क का, तो अन्य मनस्क का मनस्क होता है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है दोस्तों। अन्य मनस्क वाला जो है आपका, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभिताप का क्या होता है? अक्षोभ होता है। अभिमति का क्या होता है? विमति होता है। अभीष्ट का क्या होता है विलोम शब्द? अनैच्छिक होता है। अपकार, देखिए ये वाला कई एग्ज़ामों में कई बार पूछा जाता है, अपकार का उपकार विलोम शब्द होता है। ठीक है, अपमार्जन का क्या होता है? मर्जन होता है। अवनति का क्या होता है? उन्नति होता है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अग्नि का क्या होता है? जल होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अपशब्द का क्या होता है? स्तुति होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छा है काफ़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अति का क्या होता है? अल्प होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अवग्रह का क्या होगा? अनुग्रह विलोम शब्द होगा, अवग्रह का विलोम शब्द अनुग्रह होता है। अरुचि का क्या होगा? सुरुचि होगा। अनेकता का क्या होगा? एकता होगा। अनागम्य का क्या होगा? गम्य होगा। अमृत, देखिए अमृत जो है, अमृत का विलोम शब्द विष होता है। ठीक है, तो इसमें जहर दे देगा और भी कई टाइप के वर्ड दे देगा, तो वो नहीं होगा आपका, ये सही होगा, विष सही होगा। ठीक है, अमीर का क्या होगा? गरीब होगा, ये आप लोग जानते भी होंगे आराम से। ठीक है, अनित्य का क्या होगा? नित्य होगा। ठीक है, सॉरी, ये पहला पेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे पेज पे चलेंगे हम लोग। अतिपात का क्या होता है? अनतिपात होता है विलोम शब्द। अतल का क्या विलोम शब्द होता है? वितल होता है। अधिक का क्या होता है? अल्प होता है। अधिष्ठाता का क्या होता है? आपका अधिनियामक, अधियामक होता है, अनियामक। ठीक है, अधिकारी का क्या होता है? अनधिकारी होता है। अंधकार का क्या होता है? प्रकाश होता है। देखिए अंधकार का जो प्रकाश है, ठीक है, ये वाला भी एग्जाम में बहुत पूछा गया। अवकृष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्कृष्ट होता है इसका। ठीक है, अंतर्मुखी, ये देखिए ये भी पूछा गया, बहुत अच्छा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। अश्रु का क्या होता है विलोम शब्द? हास होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, ये भी आया हुआ है, कई एग्जामों में पूछा गया है। निराभिमान का क्या होता है? निरंकार होता है, निरअहंकार, ठीक है, तो ये भी पूछा गया। अग्र का क्या होता है विलोम शब्द? पश होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जामों में पूछा गया है आपका, ठीक है। और अपमान का क्या होता है? सम्मान होता है। अधम का क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। अथ, देखिए हर मोस्टली एग्जामों में अथ का विलोम शब्द इति होता है, ये एग्जामों में पूछा जाता है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुराग का क्या होता है? विराग होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहाँ तक हो गया? अनुराग तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अपरस्पर का क्या होता है? संग होता है। अधियक्ता का क्या होता है? उपत्यक्ता होता है, ठीक है, उपत्य का, ठीक है। अस्तेय का क्या होता है? स्तेय होता है विलोम शब्द। अविकृत का क्या हो विलोम शब्द होता है? विकृत होता है, ठीक है। अभिनंदन का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा होता है। अनुज्ञा का विलोम शब्द क्या होता है? अनुज्ञा होता है, अनुज्ञा। अतिक्रम का देखिए, अतिक्रम ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, अनुल्लंघन होता है, ठीक है। अपूर्व का क्या होता है? तुल्य होता है। अकाम का क्या होता है? सकाम होता है, देखिए अकाम का सकाम भी पूछा गया है, ठीक है। अंतरंग बहिरंग ये भी पूछा गया, अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग होता है। अपहास का गंभीर होता है। अर्पण का ग्रहण होता है। अस्त का उदय होता है। अमर का मर्त्य होता है, देखिए अमर का मर्त्य भी, देखिए अमर की जगह पे वो कुछ और वर्ड दे देगा, ठीक है, तो अमर का विलोम शब्द क्या माना जाएगा? सही, जो है सही समानार्थी और भी कई होंगे, लेकिन जो मुख्य जो अगर ये है तो इसको मर्त्य को ही आपको लगाना है, ठीक है, नहीं तो वो गलत मान लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आस्था का क्या होता है? अनास्था विलोम शब्द होता है। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? अंत होता है, देखिए आस्था अनास्था वाला भी पूछा गया है, ठीक है। आकुंचन का क्या होता है? ये प्रसारण होता है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अकिंचन अलग चीज़ है, ठीक है, और अकुंचन अलग चीज़ है, ठीक है, अकिंचन अलग चीज़ है, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं, ये अकुंचन जो है ये आपका प्रसारण के रूप में दिया गया है, ठीक है, चीज़ों को सिकुड़ने और प्रसारण करने के रूप में, ठीक है। आगामी का विगत होता है, ये दोनों भी दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आय का व्यय होता है। आजाद का गुलाम होता है, ठीक है, तो ये आजाद का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा पेज हम लोग देख रहे हैं। अत्यंतिक का विलोम शब्द क्या होता है? अत्यंतिक का विलोम शब्द परिमिति होता है, परिमित, ठीक है। अदिष्ट का विलोम शब्द निषिद्ध होता है। आलोक का, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आलोक का आपका अंधकार होता है, ठीक है। आत्मावलंबी का क्या होता है? परालंबी होता है। अभ्यंतर का क्या होता है? बाह्य होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आशंका का क्या विलोम शब्द होता है? आशंका का विलोम शब्द विश्वास होता है। आकाश का पाताल, ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी है और पूछा भी गया है। आगम का क्या होता है? आगम का जो विलोम शब्द होता है वो लोप होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगम का विलोम शब्द लोप। आगे का विलोम शब्द क्या होता है? पीछे होता है। आर्श का विलोम शब्द, देखिए अनार्श, ये वाला भी पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। आदत्त का क्या होता है? प्रदत्त होता है। आना का क्या होता है? जाना होता है विलोम शब्द। और आधार का विलोम शब्द क्या होता है? लंब होता है। आहान का क्या विलोम शब्द होता है? विसर्जन होता है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखे आहान तक। आक्रमण से अब हम लोग देखेंगे आगे, आक्रमण का विलोम शब्द क्या होता है? आक्रमण का विलोम शब्द प्रतिरक्षा होती है। आकस्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्याशित होता है। आहार का विलोम शब्द क्या होता है? निराहार, देखिए निराहार आहार ये पूछा गया है और एग्जाम में कई एग्जामों में आया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, रिपीटेड है ये। अकीर्ण का क्या होता है? विकीर्ण होता है आपका, ठीक है। आवश्यक का क्या होता है? अनावश्यक, ये भी पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आर्द्र का क्या होता है? शुष्क होता है। आप्त का क्या होगा? अप्रमाणिक होगा,
ठीक है। तो ये आप तो वाला भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आप तो का अप्रमाणिक, आमिष का क्या होता है? निरामिष होता है, ठीक है। आमिष का निरामिष, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है। आद्रत का क्या होता है? निरादत होता है। आसक्त का, ये देखिए तीनों के तीनों अच्छे हैं, ठीक है, ये प्राचीन तक आपके। आद्रत का, निरादत, आसक्त का विलोम शब्द अनासक्त होता है, और आधुनिक का प्राचीन होता है, ठीक है। आतंक का विलोम शब्द क्या होता है? भरोसा होता है। आदि का विलोम शब्द अनादि होता है, तो आदि वाला भी पूछा गया है दोस्तों आपके एग्जाम्स में, ठीक है। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है? विवर्तक होता है, ठीक है। ये आवर्तक तक हम लोगों ने देख लिया, आवर्तक का विलोम शब्द विवर्तक होता है। आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है। आनंद का विलोम शब्द शोक होता है। और आत्मा का परमात्मा होता है। आग्रही का दुराग्रह, देखिए आग्रही का दुराग्रही ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक का भौतिक होता है। आतुर का अनातुर या निरातुर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आय का क्या होता है? व्यय विलोम शब्द होता है। आय का व्यय। आरोहण का अवरोहण होता है, अवरोहण, ठीक है। आचार का विलोम शब्द क्या होता है? दुराचार होता है, ठीक है। तो ये 3 पेज हो गए दोस्तों हम लोगों के, चौथा पेज देखेंगे अब हम लोग। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? नास्तिक होता है। ये भी खूब पूछा गया है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। और दोनों, ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों के दोनों पूछे गए हैं, ठीक है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आविर्भूत का तिरोभूत होता है। देखिए आविर्भाव वाला भी पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपूर्ति का, आपूर्ति का आपका क्या होगा, ठीक है। आपूर्ति का, आपूर्ति नहीं है, आपूरित का रिक्त होता है। आकर्षण का विकर्षण होता है, ये भी पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आधार का क्या होता है? निराधार होता है। आश्वासन का निरुत्साह होता है। आच्छादित का विलोम शब्द क्या होता है? अनाच्छादित होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अवकर्षण का अनावकर्षण होता है, ठीक है। आवरण का क्या होता है? निरावरण होता है। आगत का क्या होता है? अनागत होता है। आयोजन का क्या होता है? वियोजन होता है, ठीक है। आश्रित का विलोम शब्द क्या होता है? निराश्रित होता है। और आधिक्य का विलोम शब्द अनाधिक्य होता है। आरोह का आधिक्य का अनाधिक्य, ये देखिए दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है, दोनों के दोनों, ये आश्रित और आधिक्य दोनों पूछे गए। आरोह का अवरोह होता है। आव्रत का अनावृत होता है। और आकांक्षा का अनिच्छा होता है, ठीक है। तो ये विलोम शब्द हो गए दोस्तों, कम से कम एक बार आप सुन लेते हैं, उसको अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपका काफ़ी परसेंट तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपद का क्या होता है? निरापद, ये भी पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आदान का क्या होता है? प्रदान होता है। आशा का क्या विलोम शब्द होता है? निराशा होती है। यलोक का परलोक होता है। इकट्ठा का अलग होता है, इकट्ठा का अलग। इष्ट का, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इष्ट का क्या होता है विलोम शब्द? अनिष्ट होता है, अनिष्ट, अनिष्ट, ठीक है। इंद्रिय गोचर का क्या होता है? इंद्रियातीत होता है। इति का, देखिए इति का अथ होता है या आदि, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इति का अथ। इसका का विलोम शब्द क्या होता है? उसका होता है। इच्छुक का अनिच्छुक होता है विलोम शब्द। और इच्छा, ये आपका इसका था, इच्छा नहीं थी, इसका का विलोम शब्द उसका होता है। और इच्छुक का अनिच्छुक। और इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा होती है, ठीक है। इधर का विलोम शब्द क्या होता है? उधर होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, अब लास्ट देखेंगे। इत्सिप्स का, ये देखिए बहुत एग्जामों में कई बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में हर बार पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इत्सिप्त का, इप्सित का अनिप्सित होता है, ठीक है। ईद का मुहर्रम होता है। ईहा का अनीहा होता है। ईश का अनीश होता है, ये ईश वाला भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ईमानदार का बेईमान होता है, ये नॉर्मल है। ईश्वर का अनीश्वर है। और ईशत का, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईशत का आपका अलम होता है, ठीक है। तो ये कुछ विलोम शब्द थे दोस्तों आज हम लोगों ने देख लिए, ठीक है।
और दोस्तों बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से छोटी सी, कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।